मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो गाइज इसके पहले का जो व्लॉग था वो था इसके ऊपर, इजी वन एक्शन कैमरा के ऊपर। एंड गाइज आप लोगों ने जो है बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो के ऊपर, जो है 4K से ज़्यादा व्यूज़ चले गए हैं। एंड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछे मुझसे, एंड सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया है कि इसमें जो है एक्सटर्नल माइक कैसे लगाते हैं। एंड दूसरा सवाल ये था कि ये एसडी कैम से बेटर है कि नहीं है। एंड तीसरा सवाल ये था कि इसमें जो है एसडी कार्ड कौन सा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सा एसडी कार्ड लगता है, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर जो है मैंने खरीदा है सैंडिस्क का जो है एक्सट्रीम वाला एसडी कार्ड खरीदा। अगर आप इससे कम स्पीड वाला लेते हो तो आई डोंट थिंक सो वो इसके अंदर वर्क करेगा, क्योंकि 4K के लिए ज़्यादा राइट स्पीड वाला चाहिए रहता है गाइज। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर के भी आते हैं बट आप ये ले सकते हो। ये मैंने 64 GB का लिया है 850 rupees का दुकान से, ठीक है, शॉप से, लोकल शॉप से। अगर आप अमेजोन से लेते हो तो आपको ये 750 rupees में पड़ेगा। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर लो, या फिर आप वेट नहीं कर सकते तो आप ऑफलाइन मार्केट से ले लो। मैंने जो है ऑफलाइन मार्केट में इसके लिए वो जैक आता है गाइस। आप पूछ रहे थे कि इसको हम एक्सटर्नल माइक कैसे अटैच करेंगे, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि माइक्रो USB 2 3.5 mm वाला एक जैक आता है, ठीक है। एंड वो जो केबल है गाइज वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, मैंने ऑनलाइन भी देखा बट वो काम करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। तो गाइज ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इस कैमरा का कि हम जो है डायरेक्टली इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते। एंड यही ड्रॉबैक एसडी कैम में भी है, उसमें भी जो है 3.5 mm जैक नहीं है। गाइज आई डोंट नो ये कंपनी वाले क्यों नहीं इसमें देते हैं। मैं आपको इसमें जो है 4K वीडियो सैंपल्स दिखाता हूँ एंड कुछ फोटोज दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है गाइज। इस व्लॉग में जो है मैं आपको मोटो व्लॉगिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट गाइज मैं आपको इसमें प्रॉपर सेटअप दिखाऊंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको सबसे इजीएस्ट तरीके से हेलमेट के ऊपर कैसे माउंट करते हैं गाइज। तो चलो गाइज मैं फटाक से आपको सैंपल वीडियोस दिखाता गाइज। राइट नाउ आई एम शूटिंग विद दिस इजी वन कैमरा एंड ये चालू है 4K 60 FPS में। एंड ये मैं अपने घर के स्टेयर्स पर खड़ा हूँ और इसमें जो है मैंने EIS चालू करके रखा है। तो गाइज इस कैमरा को हमें हेलमेट पर माउंट करने के लिए हमें कुछ एसेसरीज चाहिए जो कि हमें पहले से दी गई है। तो ये है जे जैक, ठीक है। तो ये ऐसा जे जैसा दिखता है इसलिए इसको जे जैक बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर और एक जैक लगाया, ठीक है। तो वो क्यों लगाया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले लेना है ये एक ऐसे टाइप ऑफ एक होल्डर लेना है। मैंने इसके पीछे का स्टिकर नहीं निकाला क्योंकि हम लोग जो है इसको स्टिक नहीं करने वाले हैं। एंड ये जो है दो स्ट्रैप्स है जो इसके अंदर आए थे, ठीक है। तो मैंने इन स्ट्रैप्स को जो है ऐसे डाल लिया है क्योंकि इन्हीं के मदद से हम जो है इसके ऊपर हमारा जो एक्शन कैमरा है उसको स्टिक करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कवर में इसको डाल लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चले जाता है, ठीक है, ओके। और ये जो होल्डर दिख रहा है हम जो है इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अभी आपको समझा गया इसकी मैंने ये वाला क्यों लगाया यहाँ पर,
में जो इन स्ट्रैप्स की मदद से है हमारे हेलमेट के ऊपर जो है इसको लगा लेना है। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे, लोगों ने यहाँ पर एमसीएल लगाए हैं, किसी ने सोल्डरिंग की है यहाँ पर, तो गाइज ये सब हमें नहीं करना है क्योंकि इससे जो है हेलमेट की क्वालिटी जो है हमारी डिग्रेड हो सकती है। और तो गाइज हम जो है सबसे ईजिएस्ट तरीका यही है कि स्ट्रैप्स की मदद से हम इसको होल्ड करेंगे। तो चलो गाइज मैं आपको फटाक से लगा के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये स्क्रू लगाने के बाद जो है हम हमारे जो हुक को है वो इसमें डालेंगे। ओके गाइज ये हमारा एक्शन कैमरा जो है वो लग चुका है। ओके तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इस कैमरा को जो है अच्छे से माउंट कर लिया है, इन स्ट्रैप्स की मदद से मैंने इस हेलमेट के ऊपर माउंट कर लिया है एंड ये काफ़ी स्टर्डी है। ओके ये जो गाइज एडहेसिव स्टिकर्स रहते हैं ये काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने एडहेसिव स्टिकर्स नहीं लगाए। और क्योंकि मेरे हेलमेट का चेन जो था वो थोड़ा कर्व था तो उसके ऊपर चिपकता भी नहीं। तो चलो गाइज मैं फटाक से इस हेलमेट को पहन के दिखाता हूँ कि हमारा जो एक्शन कैमरा है वो कैसे दिख रहा है। ओके सबसे पहले जो है स्ट्रैप्स को जो है वो नीचे कर लो आप, ताकि आपके फेस को इरिटेट ना हो। ओके एंड जैसे कि गाइज आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रांगली मैंने इस कैमरा को यहाँ पर होल्ड करके रखा है इन स्ट्रैप्स की मदद से, और ये गाइज सामने का पोर्शन जो है वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो आपको ये टेक्निक कैसे लगी गाइज ये कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताना। एंड ये जो स्ट्रैप्स है गाइज काफ़ी ज़्यादा यू नो स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर आप एडहेसिव लगाते हो तो एडहेसिव एक टाइम के बाद लूज़ हो सकता है और वो निकल सकता है, एंड एमसील अगर आप हेलमेट के ऊपर लगाओगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं दिखेंगी। तो डेफिनेटली ये सबसे ईजिएस्ट टेक्निक है एंड आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने इसको माउंट किया है अपने हेलमेट के ऊपर। तो गाइज आप भी अपने एक्शन कैमरा को इसी तरीके से माउंट कर सकते हो। एंड आई होप गाइज मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसका जो एक्सटर्नल माइक का इशू है गाइज उसके लिए आपको केबल लेना पड़ेगा, इसमें जो है एसडी कार्ड वो हाई राइट स्पीड वाला डालना पड़ेगा आपको, और ये डेफिनेटली गाइज ये एसडी कैम से बेटर है क्योंकि एसडी कैम में जो है गाइज 14 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसमें जो है 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। एसडी कैम जो है वो 4K 20 FPS में शूट करता है, ये 5K 30 FPS में शूट कर सकता है, तो डेफिनेटली गाइज ये बेटर है। तो गाइज अगर आप 10,000 तक कोई एक्शन कैमरा लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करूंगा आप एसडी कैम ना लो। गाइज इसमें जो है आपको ज़्यादा बड़ा सेंसर मिलता है, ज़्यादा क्वालिटी मिलती है, 5K तक मिलता है। एंड डेफिनेटली गाइज अगर आपका बजट GoPro का नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप यही ले लो। ठीक है चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो रहेगा वो मोटो व्लॉगिंग के ऊपर रहेगा, एंड सॉरी गाइज इस व्लॉग में मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं दिखा सका, ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है वो मोटो व्लॉगिंग का रहने वाला है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर देना। चलो गाइज मिलते हैं।